नमस्कार, मैं अदिति जायसवाल, स्वागत है आपका टीसीपी 24 न्यूज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू शो जिसका नाम है वीकली टैरो। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टैरो कार्ड एक्सपर्ट निकिता अरोरा जी, जिनसे हम जानेंगे कि टैरो कार्ड होता क्या है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ निकिता, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। आज मैं आपको बताऊंगी टैरो होता क्या है। टैरो बेसिकली सेट ऑफ कार्ड्स होते हैं जो आपको आपकी करंट सिचुएशन पे गाइड करते हैं। मैं इसको पास्ट या फ्यूचर से कनेक्ट नहीं करती, बट मैं बताती हूँ जो राइट नाउ आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, आप उसी से रिलेटेड अपने लिए कार्ड अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि टैरो बेसिकली इंट्यूशन और वाइब्स पे काम करता है। अगर आप के माइंड में आपका माइंडसेट और आपके जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने लिए कार्ड्स अट्रैक्ट करते हो। एंड मैं बहुत सारे कार्ड्स यूज़ करती हूँ, बेसिकली एंजल कार्ड्स यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कार्ड्स होते कैसे हैं। अगर मैं आपके लिए टैरो कर रही हूँ तो मैं आपकी एनर्जीज के थ्रू आपके लिए कार्ड अट्रैक्ट करती हूँ, बिकॉज ये एनर्जीज पे बेस्ड होते हैं, आपकी वाइब्स पे बेस्ड होते हैं। और कार्ड्स कुछ ऐसे दिखते हैं जो आपकी जैसी भी सिचुएशन हो प्रेजेंट में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि राइट नाउ आपको कौन सा डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है या आपके लिए अभी क्या इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमने मैम से जाना कि आखिर टैरो कार्ड होता क्या है, ये कैसा दिखता है। तो हमने सुना है कि टैरो कार्ड एक गॉड गिफ्टेड है, तो मैम से हम जानेंगे कि क्या ये सही है। मैम, ये सच में गॉड गिफ्टेड है? एग्जैक्टली, लाइक टैरो जो रीडर्स होते हैं उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। हर कोई टैरो रीडर नहीं बन सकता। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है एंड आपको रियलाइज हो जाता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशंस आने वाली है, तो आपके लिए टैरो इज़ बेसिकली मैजिकल। क्योंकि इंट्यूशंस एंड वाइब्स के थ्रू आप सामने वाले को, अगर आप नहीं भी जानते हो, जैसे मेरे कोई क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको नहीं जानती हूँ, उनका सिर्फ नाम मुझे पता होता है, बट कार्ड के थ्रू मुझे उनकी करंट सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। तो मेरे लिए इट्स एक्चुअली गॉड्स गिफ्ट, बिकॉज ये टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता। एंड अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है तो टैरो इज़ बेसिकली गॉड्स गिफ्ट फॉर यू। तो मैम, हमने ये भी सुना है कि जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं उनके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, तो क्या मैम इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा कुछ बताइए? एग्जैक्टली, जब से मैंने कार्ड्स यूज़ करना स्टार्ट किया है, पहले तो मैंने आई यूज़ टू यूज़ इट फॉर फन, कि मुझे ऐसा लगता था कार्ड्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। बट जैसे जैसे मैं कार्ड्स यूज़ करती गई, मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। एंड एग्जैक्टली लाइक, अगर आप खुद भी एक टैरो सेशन लेते हैं या फिर आप कार्ड्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी वीकली, तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट कर रहा है आपको। आप जब खुद देखोगे अपनी राशि के अकॉर्डिंग कि ये वीक में आपके लिए कैसी सिचुएशन रहेगी या आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आई एम 101% श्योर कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लेके आएगा। अब हम मैम से जानेंगे कि हमारे जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में जो समस्याएं होती है उसका समाधान ये कैसे निकलता है इस कार्ड के थ्रू। कभी कभी लाइफ में, हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम वो चाह के भी अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम में हम इतने कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। उस टाइम के लिए टैरो आपके लिए एक मैजिक की तरह भी जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरे लिए सबसे बड़ी गाइडेंस इस टैरो। मैं टैरो की तो बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टैरो गॉड से कनेक्ट करता है, तो मैं अपने लिए भी कार्ड्स निकालती हूँ कि क्या ये मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। एंड कभी के बार नो आता है एंड स्टिल मैं उसके साथ आगे जाती हूँ कि नो आया बट लेट्स सी, करके देखते हैं। तो मैं आगे जाके उस चीज़ पे अटक जाती हूँ, तब मुझे जाके रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये बहुत परफेक्ट गाइडेंस होती है एंड मेरे लिए तो ये 101% वर्क करता है। अभी तक हमने मैम से जाना कि टैरो कार्ड क्या होता है और ये कैसे हमें दिशा दिखाता है। अब हम मैम से जानेंगे कि आने वाला सप्ताह 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, तो आइए जानते हैं मैम से। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, दैट इज एरीज। आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा? मुझे कुछ न्यू बिगनिंग्स दिख रही है आपके लिए, कुछ नई शुरुआत है।
बट आपको बोल्ड होके उस शुरुआत पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस आएंगे, बट अगर आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप वो चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपके लिए जो लकी नंबर रहेंगे इस हफ्ते 5, 3 and 20, एंड लकी कलर्स जो रहेंगे दैट वुड बी ऑरेंज, ब्लू एंड पर्पल। नेक्स्ट इज टॉरस, दैट इज वृषभ राशि। आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? आपकी लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस हैं, बट कुछ एंडिंग्स भी हो रही है। कुछ चीज़ें सॉल्व होंगी जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी, बट अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, तो आप हर चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। गॉड आपको साइंस भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको किसी के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज या साइंस मिलेंगे। एंड एंड ऑफ डिफ़िकल्ट साइकिल्स, लाइक अब से आने वाले हफ्ते के बाद से चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। एंड आपके लिए लकी नंबर है 7, 8 and 21, एंड लकी कलर्स है ब्लू, पर्पल, ऑरेंज एंड ब्लैक। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, दैट इज़ जेमिनी, मिथुन राशि। आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड कुछ पर्सनल इशू जो चल रहा था आपकी लाइफ में, उस पर भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, वो चीज़ें सॉल्व होंगी। बट आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुने। अगर आपको आपके इंट्यूशंस कुछ बता रहे हैं तो वो आपके लिए एक मैसेज है। एंड रिलेशनशिप के हिसाब से भी आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बट आप अगर कोई चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो वो आपका काम कुछ हफ्तों या आने वाले साल के अंदर ज़रूर हो जाएगा। एंड आपके लिए लकी नंबर है 18 और 9, एंड लकी कलर्स है ग्रीन, येलो, वाइट एंड पर्पल। नेक्स्ट राशि इज कर्क राशि, दैट इज़ कैंसर। आपके दिमाग में बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हैं, बट वो आइडियाज़ वर्कआउट आपके लिए नहीं कर पा रहे, बिकॉज आप खुल के उस पर किसी से बात नहीं कर रहे हो। आपका ब्लॉकेज है कम्युनिकेशन में। अगर आप उसके ऊपर किसी से डिस्कस करोगे तो आप उस पर आगे वर्कआउट कर सकते हो। एंड आपको अपने पास में जो आपने गलतियाँ की है, उससे अगर आप सीख के लाइफ में आगे बढ़ोगे, वापस से उसको रिपीट नहीं करोगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स भी करने की ज़रूरत है आपको। एंड थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ भी है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी अच्छी आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करेगी। एंड आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे 1 and 12, एंड लकी कलर्स रहेंगे येलो, पिंक, वाइट एंड पर्पल। नेक्स्ट राशि इज सिंह राशि, दैट इज लियो। आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे अमेजिंग कार्ड्स जो अभी तक आए हैं आपकी राशि में ही आए हैं, द सन कार्ड एंड द स्टार कार्ड। दोनों कार्ड ही बात करते हैं कि यू कैन शाइन। आप अपने वर्क के थ्रू बहुत शाइन कर सकते हो, अगर आप सही रास्ते पे हो, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो देर आर चांसेस कि आप बहुत सक्सेसफुल होगे। एंड यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ मैजिशियन ओनली, ये बहुत कम कार्ड आता है। इट्स लाइक आप जो सोचोगे, जैसा सोचोगे, आप वैसा लाइफ में कर सकते हो। एंड बट आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने दिल की आवाज़ सुनिए एंड अपने इंट्यूशंस को, लाइक इनर वॉइस को अगर आप फॉलो करोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अंदर से लग रहा है ये मेरा काम हो सकता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। एंड आपके लिए विन विन आउटकम भी आया, आप जो भी करोगे उसमें आपके लिए सक्सेस है। बट एक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ें आपके हाथ से जा रही है, तो डोंट रिग्रेट इट, लेट इट गो, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही जा रही है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आपके लिए जो लकी नंबर्स रहेंगे वो है 11, 17 and 19, एंड लकी कलर्स विल बी ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड वाइट। नेक्स्ट राशि इज कन्या राशि, दैट इज वर्गो। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए सबसे पहला कार्ड है डिवाइन गाइडेंस। गॉड आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको साइंस दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि हाँ आप सही रास्ते पे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। एंड लव रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर आप कोई चीज़ को लेके कंफ्यूज हो कि क्या मैं इस चीज़ को ट्रस्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ,
तो उसके लिए आंसर आया येस, इट इज़ वेरी सेफ टू ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, रिलेशनशिप हो या कोई और चीज़ हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ रिमेन पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी अच्छी आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करेगी इस वीक में। एंड आपके लिए लकी नंबर्स हैं 6 and 5, एंड लकी कलर इज़ पर्पल, ऑरेंज एंड येलो। नेक्स्ट राशि इज तुला राशि, दैट इज़ लिब्रा। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे चांसेस आ रहे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल वीक है ये, आप जो चाहो इस वीक में आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। बट आपको कोई डिसीजन लेना है जो आप बहुत टाइम से कन्फ्यूज्ड हो और ले नहीं पा रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप डिसीजन ले लो, क्योंकि प्रॉब्लम छोटी सी है बट आप उसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहे हो। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हैं आपके लिए, बट अगर वो आप कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों थे। एंड आगे ही आपके लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ के कारण कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। अ टाइम टू गिव रदर देन टेक, इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हो आप इसके बारे में सोचो। कौन आपके लिए क्या कर सकता है, डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो गॉड आपको कहीं ना कहीं से रिटर्न ज़रूर करेगा। बट देर इज़ फॉरगिवनेस ऑल्सो, आपको किसी चीज़ को माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ है, ये एनर्जी आपको स्टक कर रही है, तो इट्स बेटर कि आप फॉरगिव करके आगे बढ़ो। आपके लिए लकी नंबर्स जो हैं दैट इज़ 2, 6 and 7, एंड लकी कलर्स विल बी ब्लू, ब्लैक, पर्पल एंड येलो। नेक्स्ट राशि इज वृश्चिक राशि, दैट इज स्कॉर्पियो। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो कम्युनिकेट क्लियरली, आपका ब्लॉकेज कम्युनिकेशन में है। आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप खुल के जो बात करना चाह रहे हो किसी से आप वो नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड है। तो इट्स बेटर कि आप जितना खुल के कम्युनिकेट करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। आप अपना हार्ड वर्क करिए एंड सेल्फ कंट्रोल करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपकी खुद के इमोशंस हैं या ओवरथिंकिंग है जो आपको इफेक्ट कर रही है, तो इट्स बेटर कि आप उसको कंट्रोल करें। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका पाथ वैसे भी ईजली ईजी हो जाएगा एंड आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है आपको, सक्सेस है बट थोड़ा वेट करोगे तो आपके लिए सक्सेस है। एंड अगर कोई इशू चल रहा था कोई भी कोर्ट से रिलेटेड या फैमिली इशू, ये वो पीसफुली सॉल्व होगा, यू डोंट हैव टू वरी। एंड अगर आप जो भी चाहते हो कि मेरे को ये करना है बट पता नहीं मैं इस ये करूँ कि नहीं करूँ, इस चीज़ पे आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, तो देयर इज़ अ आंसर येस, आप आगे बढ़ सकते हो बिकॉज वो चीज़ आपके फेवर में है। एंड आपके लिए जो लकी नंबर्स है दैट इज़ 3, 7 and 9, एंड लकी कलर इज़ वाइट, येलो एंड पिंक। नेक्स्ट इज़ धनुराशि, दैट इज़ सेजिटेरियस। आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहला कार्ड जो है दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड आई बिलीव इज़ यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ हो एंड आपको बिल्कुल भी कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज फ्रॉम गॉड दैट यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड आप राइट पाथ में हो, डोंट स्टॉप। आप जो कर रहे हो वो सही रास्ता है एंड उसी पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ जो भी हो रहा है लाइफ में उसके पीछे एक रीज़न है, प्लीज़ डोंट रिग्रेट। बिल्कुल भी आपको रिग्रेट की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज जो गॉड के प्लान है उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ रहे हो। शायद वो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है बट इट इज़ फॉर योर गुड एंड गॉड ने आपको बहुत कुछ दिया है अच्छा, बट आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करके जो नहीं दिया है आपका फोकस उस चीज़ पर है, इसलिए आपको वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। सो इट्स बेटर कि जो गॉड ने आपको दिया है एटलीस्ट बी ग्रेटफुल, उसके लिए आप शुक्राना करो एंड बी हैप्पी विद दैट। एंड आपके लिए जो लकी नंबर इज 5 एंड लकी कलर्स आर ब्लू, पर्पल एंड येलो। नेक्स्ट राशि इज केप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि।
आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहला कार्ड है चेंज योर लाइफ। गॉड आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, चांसेस दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ खुद चेंज कर सकते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस है, बट आप खुद अपने आप को रोक के रखे हो बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो इट्स बेटर कि अगर लाइफ कोई चांस दे रही है तो जस्ट ग्रैब इट एंड मूव ऑन विद दैट। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ मूव फॉरवर्ड। इतना मत सोचो, अगर कुछ चांसेस हैं तो जस्ट मूव फॉरवर्ड, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द डिवाइन कि कुछ अच्छा होना है इसलिए आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। एंड अगर आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ करोगे लाइक प्लांट को वाटर देना या एनवायरनमेंट से कुछ भी प्लांट से रिलेटेड करना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक रहता है कि मी मी मी, लाइक ऑलवेज अपने बारे में सोचना, अपना मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे साथ वैसा नहीं। इट्स ओके, जस्ट मूव ऑन एंड अच्छी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करो। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी अगर हेल्थ आपके या आपके घर पे किसी की हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो वो इस हफ्ते काफ़ी चांसेस है कि उनकी हेल्थ बहुत बेटर होगी। एंड आपके लिए जो लकी नंबर है वो है 16 and 9। एंड लकी कलर्स है ऑरेंज, ब्लू एंड येलो। नेक्स्ट राशि इज एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप की बात करें तो गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विथ वेरी नाइस रिलेशनशिप। आपका रिश्ता लव हो या फैमिली से हो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको अपनी पर्सनल रिलेशनशिप की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका कमिटमेंट अभी टेस्ट हो रहा है। लाइक आपके रिश्तों में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम चल रही है तो गॉड वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हम सबको कुछ ना कुछ टेस्टिंग पीरियड से पास होना पड़ता है, तो इट्स टाइम। ये जो टाइम है ठीक है, टेस्टिंग है, बट ये भी निकल जाएगा। व्हाट यू नीड टू रिलीज, कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, कुछ पास की चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करना है क्योंकि आपके लिए रिकवरी है। अगर कुछ हेल्थ इशू या कुछ पास में ऐसा हुआ है जिससे आप निकल नहीं पा रहे तो देयर इज़ चांसेस कि आपकी रिकवरी होगी बिकॉज लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए। पीपल आर देयर टू हेल्प यू, बट आपको लोगों से हेल्प मांगनी पड़ेगी बिकॉज अगर आप नहीं बोलोगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगा कि यू नीड हेल्प। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लोगों से बात करके उनकी हेल्प लीजिए। एंड आपके लिए जो लकी नंबर रहेगा दैट इज 10 एंड लकी कलर्स विल बी ग्रीन, ब्लू, येलो एंड वाइट। नेक्स्ट राशि इज मीन राशि, दैट इज स्पाइसेस। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहला कार्ड है मेक अ विश। आप जो विश करोगे आपकी ड्रीम्स पूरी हो सकती है। जस्ट यू हैव टू बिलीव कि हाँ मैं जो विश कर रही हूँ आई गेट इट। एंड ट्रस्ट, गॉड इज सेइंग ट्रस्ट करो। थोड़ा टाइम लग सकता है बट आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। अगर आप कोई प्रोजेक्ट या किसी चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मिलेंगे इफ़ यू बिलीव। बट आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट आई कैन डू इट, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। देयर इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है एंड आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप वीक नहीं पड़ सकते कि नहीं, अगर कोई चीज़ आपने स्टार्ट की है एंड आपको बीच में ही लगे कि यार पता नहीं मुझे रिजल्ट समझ में नहीं आ रहे, तो आपको बीच में वो चीज़ को नहीं छोड़ना है। आपको उसके साथ आगे बढ़ना है, आगे जाके वो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। अगर बीच में थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं पता नहीं मैं बीच में ही छोड़ दूँ, तो डोंट डू दैट, जस्ट मूव ऑन विद दैट। एंड गॉड इज सेइंग कि आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस है, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, तो बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके लिए जो लकी नंबर्स रहेंगे दैट वुड बी 9, 10 and 11 एंड लकी कलर्स विल बी ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो। एंड एक और कार्ड था ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। सो अगर आप जितना प्यार से रहेंगे, लोगों से जितना प्यार से बात करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये था 12 राशियों का गाइडेंस कि आपका आने वाला वीक कैसा रहेगा। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में, वीकली टैरो विद TCP24। तो हमने
टैरो एक्सपर्ट निकिता अरोरा जी से जाना कि ये सप्ताह 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। अगले हफ्ते हम आपको फिर मिलेंगे वीकली टैरो के साथ। तब तक के लिए बने रहें टीसीबी 24 न्यूज़ के साथ।